नमस्कार, मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। सड़क किनारे खूबसूरत यह जो आप चित्रकारी देख रहे हैं, चौड़ी सड़क पर भागते दौड़ते वाहन और फुटपाथ पर होता निर्माण कार्य, जी हां, यह विकसित होती झांसी स्मार्ट सिटी झांसी का नजारा है। और यह झांसी का इलाइट्स जेल चौराहे की तरफ जाने वाला मार्ग है। हम आपको इस मार्ग पर क्यों लाए हैं और यहाँ पर क्या ऐसा होने जा रहा है जो हम आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि हम झांसी के बारे में आपको लगातार जो नए डेवलपमेंट होते हैं, नया यहाँ क्या बनने जा रहा है और क्या बना है, ये पूरा दिखाते हैं, बताते हैं। दरअसल सामने आपको चंद कदमों के बाद यहाँ पर जेल चौराहा आएगा और झांसी स्मार्ट सिटी के तहत जो नए नए डेवलपमेंट कराए जा रहे हैं, अब उसमें दो नहीं पूरे पांच झांसी के बड़े चौराहे हैं, उन्हें बहुत खूबसूरत बनाने, कह सकते हैं कि सुंदरीकरण के कार्य में चयनित किया गया है और इनकी डिजाइन भी तैयार हो गई है। जल्द ही इनके सुंदरीकरण का कार्य शुरू हो जाएगा। यहाँ पर आपको कई सारे जो चौराहे हैं, जैसे कि इलाइट का चौराहा है झांसी का, उसको मॉडर्नाइज किया गया है। यातायात के दबाव को कम करने के लिए उसमें कई सारे बदलाव किए गए हैं। इसी प्रकार जेल चौराहा और कचहरी चौराहा, अभी फिलहाल हम आपको इन दो चौराहों के बारे में बताते हैं जिनका कि चयन हो गया है, इनका जो प्लान है वह तैयार हो गया है। हम आपको दिखाते हैं, पहले जेल चौराहे के बारे में बताते हैं। ये जो सामने आप देख रहे हैं, ये जो गोल चौराहा है, इसे जेल चौराहा कहते हैं और ये सीधा रास्ता आपको कचहरी की तरफ जा रहा है और एक रास्ता बस स्टैंड की हो जाता है। और ये सामने जो आप रास्ता देख रहे हैं, ये ललितपुर मार्ग है, बबीना ललितपुर मार्ग है। इस चौराहे पर बहुत ज्यादा यातायात का दबाव है, चारों तरफ से यहाँ पर लोड आता है। सामने आप देख सकते हैं कचहरी से, बस स्टैंड से, हेलाइट से और आपके बबीना की तरफ से। तो ये जो चौराहा है, एक और यहाँ पर है, ये भी मूर्ति लगी हुई है। तो इस चौराहे के यातायात के दबाव के हिसाब से इसका मॉडर्नाइजेशन किया जा रहा है, यानी सुंदरीकरण का कार्य किया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं सामने इलाइट की तरफ से आने वाला मार्ग है और यह शहरी इलाके की तरफ जाने वाला रास्ता है, बस स्टैंड की तरफ। तो यहाँ यातायात का बहुत ज्यादा दबाव है और इस दबाव को सही करने के लिए अब इस लखनऊ की कंपनी को इसके सुंदरीकरण का कार्य दिया गया है और लोक निर्माण विभाग की ओर से इसका जो प्लान है वो तैयार कर लिया गया है। आप देख सकते हैं यह चौराहा बहुत खूबसूरत है। यहाँ पर ऑटो की कई सारी दुकानें, हालांकि यहाँ पर अभी काम चल रहा है और इसके सुंदरीकरण का काम बहुत जल्द शुरू हो गया, क्योंकि इसका जो प्लान है वो पूरी तरह से तैयार हो गया है। यह जेल चौराहा है, सामने आप देख सकते हैं कचहरी का। हम आपको इसके साथ में कचहरी का चौराहा भी दिखाते हैं। ये जो दो चौराहे हैं झांसी के, इन दोनों चौराहों को अब मॉडर्न तरीके से विकसित किया जाएगा और इसमें कई सारे बदलाव जो हैं वो अब आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। क्योंकि जैसा इलाइट चौराहे पर आपने देखा है कि फ्री होल्ड है, हालांकि यहाँ भी फ्री होल्ड है, लेकिन इसकी संभवतः चौड़ाई कुछ कम की जा सकती है। इसके अलावा इसे आधुनिक रूप में दिखाने के लिए बहुत सारे बदलाव होना है। ये जो इस तरफ और बाईं तरफ अलग अलग तरीके के जो स्थान बने हुए हैं वो एक से होंगे और पूरा गुम्बद नए सिरे से बनाया जाएगा। इसके साथ ही यहाँ की जो चौराहे की खूबसूरती है उसे और अच्छा किया जाएगा। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा यातायात रहता है,
और यह पूरा जेल चौराहा है, खूबसूरत है, चारों तरफ से आपको झांसी की खूबसूरती दिखाई देती है। तो जल्द ही इस चौराहे के सुंदरीकरण का कार्य शुरू होगा, इसमें कई सारे बदलाव होंगे। साथ ही अब हम आपको जो कचहरी का चौराहा है वो भी दिखाते हैं। दरअसल आपने देखा होगा कि कोई भी शहर जो विकसित होता है उस पर कई सारे दबाव पड़ते हैं, यातायात के दबाव पड़ते हैं, ट्रैफिक व्यवस्था पर दबाव पड़ता है, इसके अलावा विकास को लेकर कई सारे दबाव होते हैं। और झांसी जो स्मार्ट सिटी में शामिल हुआ है उसके बाद से यहाँ कई सारे जो डेवलपमेंट के कार्य हो रहे हैं उसमें आपको हम लगातार जैसा कि दिखाते हैं, नई नई बिल्डिंगों का निर्माण हो रहा है, पार्क बन रहे हैं, चौराहों का बदलाव हो रहा है। तो ये दो चौराहे जो अभी चयनित किए गए, इसके अलावा जैसे कि बताया पांच चौराहे हैं जिन्हें चयनित किया गया है, इनको आधुनिक बनाने का काम होगा। इनमें सारी वो सुविधाएं होंगी जो महानगरों में इन चौराहों पर होती हैं, ताकि यातायात बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पर संचालित हो सके, लोगों को परेशानियाँ कम हो। और यह सामने आप जो नज़ारा देख रहे हैं यह झांसी का कचहरी चौराहा है, जहाँ आप देख सकते हैं भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा आपको लगी होगी। और इस चौराहे पर भी चारों तरफ से बहुत ज़्यादा यातायात का दबाव होता है, क्योंकि बस स्टैंड की तरफ भी यहाँ से जाने वाला रास्ता है, सदर बाजार यहाँ से जाते हैं, इसके अलावा मिनरवा शहर की ओर से भी यहाँ से रास्ता आता है, और जिस रास्ते से हम आ रहे हैं इलाइट की ओर से वो रास्ता भी यहाँ पर है। तो चारों तरफ के रास्ते इस कचहरी चौराहे पर एक यातायात का बहुत बड़ा दबाव बनता है यहाँ पर। यहाँ देख सकते हैं पिंक टॉयलेट भी बना हुआ है जो कि महिलाओं के लिए बनाया जाता है, और ये वो कचहरी का चौराहा है। आप देख सकते हैं यहाँ चारों तरफ से यातायात का मार्ग है, सड़क का हिस्सा एक तरफ छोटा सा होगा, एक तरफ बड़ा होगा, और जो चौराहों पर यातायात के लिए सड़कों का एक सा काम करने का काम, जैसा कि इलाइट पर आपने देखा होगा कि जो सड़कें हैं वो मानक के अनुसार किस प्रकार से बनाई जाती हैं, ताकि जो यातायात का दबाव है उसे कम किया जा सके और सुलभता से लोग मार्गों से चौराहों से जा सकें। यह सामने आप झांसी का जो पुस्तकालय है वो देख रहे होंगे, जिसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब इसका मॉडर्नाइजेशन हुआ, सुंदरीकरण हुआ, उसके बाद इसका उद्घाटन किया था। और यह बस स्टैंड की तरफ जाने वाला रास्ता है, और सीधा आप जो रास्ता देखेंगे वो झोकन बाग मिनरवा टागी की तरफ जाता है। तो इस चौराहे को भी लोक निर्माण विभाग ने, जैसा कि बताया हमने, आप जेल चौराहे के साथ चयनित किया है, और दोनों ही चौराहे पर अब आपको नए स्वरूप से एक डेवलपमेंट दिखाई देगा, यहाँ बदलाव होंगे, खूबसूरत हो जाएगा यह चौराहा भी इलाइट चौराहे की तरह। और यह सदर बाजार की तरफ जाने वाला और कचहरी की तरफ जाने वाला रास्ता है। तो फिलहाल झांसी के यह दो बड़े चौराहे जो हमने आपको बताया, जल्द ही नए मॉडर्नाइज रूप में आएंगे और दिखाई देंगे, ताकि आपको यहाँ पर बहुत सी चीजें नई दिखाई देंगी। मार्केट संवाद की रिपोर्ट, झांसी।